समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह और भारतीय जनता पार्टी से दारा सिंह चौहान ने नामांकन दाखिल कर दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह अपने समर्थकों के साथ नामांकन कार्यालय पहुंचे। पर्चा भरने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत होगी और जो एनडीए के प्रत्याशी हैं और उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव पार्टी और संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। संगठन को मजबूती देने के लिए अखिलेश यादव ने गुरुवार को बांदा में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी की केंद्र और राज्य की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कार्यक्रम में मौजूद हजारों कार्यकर्ताओं को बीजेपी के आरोपों का काउंटर करने के लिए कहा। सत्ता पक्ष से दो दो हाथ करने के लिए अखिलेश ने उनका हौसला भी बढ़ाया। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस भी एक्टिव नजर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस नेता अजय राय 2 बार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। पहले 2014 और फिर 19 में इन्होंने चुनाव लड़ा था। अजय राय ने यूपी कांग्रेस में ब्रिजलाल खाबरी की जगह ली है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी की बैठक विपक्ष पर जमकर हमला बोला। केपी मौर्य ने कहा कि पैसे के बल पर कोई चुनाव नहीं जीत सकता, गुंडा माफिया के बल पर कोई चुनाव नहीं जीत सकता। 2024 के चुनाव में संभल को संभालने की किसी में ताकत नहीं, संभल को संभालने की ताकत है तो सिर्फ भाजपा में। भाजपा सरकार दलित कल्याण सरकार है, किसान का स्थान गरीब का स्थान है। सरकार सबको आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाभ पहुंचा रही है। वाराणसी का ज्ञानवापी का मामला अभी भी कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट के बाहर भी विवाद को सुलझाने की कोशिश जारी है। आपस में ही मामले को खत्म करने को लेकर हिंदू पक्ष की अपील के बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से विवाद खत्म करने का भरोसा दिया गया है। हालांकि इस बीच हिंदू पक्ष के सीनियर वकील हरिशंकर जैन ने 2 टूक लहजे में कहा, हम कोई समझौता नहीं करेंगे, काशी की 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। बरेली के सिरौली क्षेत्र में उस वक्त हंगामा मच गया जब पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। हुआ ये कि गांव पिपरिया उपराला में ग्रामीणों ने छुट्टा पशुओं को सड़क पर खड़ा कर पशुधन मंत्री का रास्ता रोक दिया। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह और अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे आंवला तहसील के गुरगावा में पशुपालक क्लिनिक की भूमि पूजन करने जा रहे थे, लेकिन उनको ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। इस हंगामे में मंत्री और प्रमुख सचिव का काफिला करीब 40 मिनट तक फंसा रहा। उन्होंने ग्रामीणों को समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया, तब जाकर ग्रामीण शांत हुए और काफिला निकला। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि मुसलमानों से भी ज्यादा पुराना हिंदू धर्म है। इस पर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि इसमें नई बात क्या है, इस्लाम की तारीख 1450 साल पुरानी है, लेकिन इस्लाम के उसूल हजारों साल पुराने हैं। जब लगातार पैगंबर आए थे, इस्लाम की पहचान तो 8000 साल पुरानी बातों से भी साबित है। इसमें नया क्या है? इस्लाम की तारीख 1500 साल पुरानी है, 1450 साल पुरानी है जब से हिजरत हुई थी, लेकिन इस्लाम के उसूल जो थे वो हजारों साल पुराने। इस्लाम 8000 साल पहले जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना था, जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का ज़माना था, जिनकी बस्तियों पे अजाब आए थे, कई पहाड़ आज भी उल्टा गिरा पड़ा है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बस्ती जबकि 8000 साल पुरानी थी, वो स्टोन एज की बातें हैं। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बस्ती भी उसी टाइम की थी जिसमें पानी से अल्लाह ने अजाब लेकर आया था, और वो बस्ती आज भी मौजूद है। मदीने शरीफ से तकरीबन 250 किलोमीटर अदूला एक जगह है। तो इस्लाम के उसूल तो पहले से ही चले आ रहे थे, लेकिन हाँ, असल इस्लाम अब जो खात्मा हुआ है, जब तमाम अल्लाह के पैगामात का मुकम्मल हुए हैं, वो 1450 साल पहले। जौनपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती और हैवानियत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कई युवक एक लड़की को पकड़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत आरोपी युवकों को हिरासत में ले लिया है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के सफल आयोजन के लिए नीतिगत आधार और मार्गदर्शन उपलब्ध कराए जाने के लिए गठित मुख्यमंत्री सलाहकार समूह की पहली बैठक आयोजित की गई।
इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है इन्वेस्टर समिट होने तक राज्य में निवेश की अच्छी ग्राउंडिंग हो जाए। इसके लिए नीतियों का सरलीकरण साथ साथ उन पर तेजी से क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।